Welcome students, in the next video of chapter 1st, the earth in the solar system. And this is the 5th video of this chapter, and we are going to discuss about movements of planets. इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था प्लैनेट्स के बारे में, और इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि मूवमेंट्स क्या होती हैं इन प्लैनेट्स की. ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. प्लैनेट्स हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. यानी कि प्लैनेट्स जो हैं उनकी टू टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं. मूवमेंट्स यानी कि उनका घूमना, वो किस तरीके से वो मूव करते हैं उसके बारे में. तो ये देखो, रोटेशन होता है और एक रिवॉल्यूशन होता है. रोटेशन मतलब होता है वो जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब एक अपनी ही एक्सिस पे राउंड लगाते हैं, घूमते रहते हैं, अपनी ही एक्सिस पे सब घूमते हैं, उसको हम रोटेशन बोलते हैं. और रिवॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि सन का वो एक चक्कर पूरा करते हैं. ठीक है, अपना साथ में घूमते घूमते वो सन का भी एक चक्कर पूरा कंप्लीट करते हैं, उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, देखो, ईच प्लैनेट हैज़ इट्स ओन एक्सिस ऑन विच इट रोटेट्स और स्पिन्स. यानी कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उन सब प्लैनेट्स की एक जो है कि एक्सिस होती है. ठीक है, एक धुरी होती है, उसी पर वो सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रोटेट करते हैं, यानी कि वो स्पिन यानी कि घूमते हैं. जैसे आपको पता है, मान लो आप एक लेमन ले लो और लेमन के जस्ट एकदम बीच से आप एक जो है कि नीडल को डाल दो. ठीक है, एक सुई जस्ट बिल्कुल नींबू के बीच में डालो और उस नीडल से जो है कि आप नीचे रखो अर्थ पे और ऊपर वाला हिस्सा पढ़कर आप उसको ऐसे गोल 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 घुमाओ. ठीक है, तो वो एकदम एक बराबर धुरी पर वो आपका लेमन घूमेगा. ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सब एक उनकी एक्सिस फिक्स एक्सिस होती है और उसी एक जो कि एक्सिस पे वो घूमते हैं. जैसे आप आगे पूरा डिटेल में पढ़ोगे कि हमारा अर्थ जो है वो टू पोल्स से जो कि टू पोल्स जो है उस पर जो कि उसी की वजह से वो घूमता है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो बिल्कुल एक्सिस उनकी एक बराबर धुरी होती है उसी पर वो घूमते हैं. इसको मैं आपको जब भी स्कूल्स ओपन होंगे तो आपको मैं डिटेल में पूरा ब्लैक बोर्ड पर बता दूंगी. ठीक है, अच्छा देखो, वीनस एंड यूरेनस आर द टू प्लैनेट्स दैट रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. देखो, हमारे यहाँ जितने भी ये 8 प्लैनेट्स हैं उसमें वीनस और यूरेनस हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं. ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये वन चक्कर अपना जो कि रोटेशन कंप्लीट करते हैं एक चक्कर. ठीक है, जबकि ऑल द अदर प्लैनेट्स जिसमें कि हमारा अर्थ भी इंक्लूड है रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, मूव करते हैं. ठीक है, रिवॉल्यूशन, द प्लैनेट्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स पाथ. द पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ईच प्लैनेट इज इलिप्टिकल एंड इज नोन एज इट्स ऑर्बिट. जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सब सन के चारों तरफ जो है एक फिक्स पाथ पे, एक फिक्स जो है रास्ता उनका होता है, उसी पर वो एक चक्कर पूरा कंप्लीट करते हैं. ठीक है, इस फिक्स पाथ को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं. ठीक है, ये जो इनका ये एक चक्कर कंप्लीट करते हैं इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं. अब ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो बिल्कुल एकदम गोल 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 एकदम एक बराबर गोल नहीं घूमते, ये एक इलिप्टिकल शेप में इनका होता है. इलिप्टिकल यानी कि बिल्कुल ओ लेवल का एक तरीके से इनका शेप बनता है. जैसे अब आप यहाँ पर देखो, ये प्लैनेट ये आपका दिया हुआ है, तो ये जो रिंग आपको दिख रही है, सारे प्लैनेट्स की एक रिंग दिखाई दे रही गोल गोल, तो ये जितनी भी रिंग है एकदम ये बिल्कुल सर्कल एक बराबर नहीं है. ठीक है, ये एक इलिप्टिकल यानी ओ लेवल ओ शेप का जो कि इनका ये ओ शेप होता है. ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो ओ शेप में इस इलिप्टिकल इसी को बोलते हैं, वो सर्कल एक चक पूरा अपना रिवॉल्यूशन कम्प्लीट करते हैं. ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे. ईच प्लैनेट टेक्स अ डिफरेंट टाइम पीरियड टू कम्प्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस एंड वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. यानी कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, ये जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो सब जो हैं, सारे प्लैनेट्स की अलग अलग टाइम होती है, टाइम होता है. यानी कि वो एक जो कि चक्कर अपना भी लगाने में और एक सन का भी एक चक्कर लगाने में सारे प्लैनेट्स की टाइमिंग जो है वो अलग अलग होती है. अब जाहिर सी बात है कि जो प्लैनेट सन के पास होगा वो जल्दी से कि सन का चक्कर लगा लेगा. जैसे मरकरी 88 डेज में ही वो सन का एक पूरा जो कि रिवॉल्यूशन वो कम्प्लीट कर लेता है. ठीक है, उसकी एक ऑर्बिट जो है वो 88 डेज में ही कम्प्लीट हो जाती है. जबकि जो आपका नेपच्यून है उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसके बारे में आप डिटेल में मैंने इसको आपको पढ़ाया भी था. तो वही है कि
कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द अर्थ साइज एंड शेप। जस्ट बिकॉज हम अर्थ पे रहते हैं, हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पे ही पॉसिबल है, इसलिए हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, उसकी साइज और शेप के बारे में। इन टर्म्स ऑफ साइज द अर्थ स्टैंड फिफ्थ अमॉन्ग द 8 प्लैनेट्स। अगर साइज के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारा जो अर्थ है वो फिफ्थ नंबर पर आता है, जितने प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट्स उनमें फिफ्थ नंबर पर आता है। साइज की बात हो रही है, यानी कि अगर हम बड़े से बात करें तो जो कि हमारा ये जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा है और उसके बाद सारे प्लैनेट्स और फिफ्थ नंबर पर हमारा अर्थ आता है। जुपिटर द लार्जेस्ट प्लैनेट इज नियरली 1300 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ अर्थ, यानी कि हमारा जो जुपिटर है अगर हम उसको 1300 टाइम्स साइज करें उसकी, तब हमारा अर्थ उसके बराबर होगा। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 40,75 किलोमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज ऑफ इट इज 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो है, अगर ब्लैकबोर्ड होता तो मैं आपको बेटर समझाती, तो ये हमारा जो अर्थ है, अगर इस अर्थ का ये जो सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इस सर्कल को अगर हम काउंट करते हैं, ठीक है, सर्कल की अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में निकालते हैं तो वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 40,075 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम इसका एक साइड का अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा टोटल जो सर्फेस एरिया है इसका पूरा अगर हम काउंट करें सब तरफ का तो 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। एज़ फॉर द शेप इन द पास्ट मैन बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, जैसे कि पहले समय में ऐसा था कि शेप के रूप में लोग सोचते थे कि हमारा जो अर्थ है ऐसा बिलीव किया जाता था कि वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, एकदम एक बराबर है चारों तरफ से, क्योंकि हम लोग मोस्टली देखते हैं हमको सब तरफ से अर्थ हमारा जब हम चलते हैं या कहीं जाते हैं हमको बिल्कुल अर्थ एकदम एक बराबर फ्लैट दिखाई देता है, ऐसा आप देखते होंगे, है ना। ही बिलीव सो ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ हिज ओन विज़न, यानी कि जितना उन लोगों ने सोचा उसके अनुसार जैसा उन लोगों ने सोचा था कि हमारा अर्थ जो है बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को ये पता चल गया कि हमारा अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल शेप में है, यानी कि गोल है बिल्कुल। सिंस ही कुड ओनली सी अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ एट अ टाइम एंड दैट लुक्ड फ्लैट, यानी कि हम लोगों ने ऐसा सिर्फ बहुत ही छोटा भाग एक देखा था अर्थ का और जिसकी वजह से हमको ये पता चला कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, लेकिन दिस गिव राइज टू फियर्स दैट मैन वुड फॉल ऑफ द एज ऑफ द अर्थ इफ़ ही काउंटेड टू वॉक और शेल इन वन डायरेक्शन। मतलब क्या था कि अब ये बात जब हम लोगों ने सोची कि हमारा अर्थ जो है वो एकदम बिल्कुल फ्लैट है तो इन लोगों को ये लगता था, हम लोगों को ये पहले लगता था कि अगर हम मान लो एक जगह से चलना स्टार्ट करें तो दूसरी जगह जाएंगे तो हमको हम उस पे से गिर जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर हम बेड पे बैठे हुए हैं तो अगर हम एक जगह से हम चलेंगे तो चलते चलते उसका जो सेकंड छोर है उस पर हम जाएंगे तो नीचे जो कि हमको धरती मिलेगी हम गिर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग अर्थ के बारे में भी सोचते थे, ठीक है। द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी ब्रॉट होम टू मैन द ट्रूथ अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, लेकिन धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होने लगा साइंस के बारे में, कार्टोग्राफी यानी कि जब हम लोगों ने मैप बनाना शुरू कर दिया, नक्शा बनाना शुरू कर दिया, तो इसके बाद हमको अर्थ के ट्रूथ के बारे में पता चला कि वाकई में अर्थ जो है वो कैसी है। नाउ ही केम टू नो दैट द अर्थ इज़ राउंड नॉट फ्लैट, और धीरे धीरे हमको ये पता चल गया अंत में कि जो अर्थ है वो गोल है ना कि फ्लैट है, ठीक है। अब आप फिगर में तो देख ही रहे और आपको पता भी है कि अर्थ जो है उसका शेप गोल है बिल्कुल ग्लोब की तरह, ठीक है। दस द मैन अंडरस्टूड दैट इफ समवन वॉक और शेल ऑन द अर्थ इज वन डायरेक्शन वुड बी बैक एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैन को यह समझ में आ गया कि अगर हम एक जगह से अर्थ के चलेंगे, अगर आप फिगर देखो एक जगह से आप स्टार्ट करोगे चलना तो चलते 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 अगर आप इसका पूरा एक चक्कर एकदम सेम डायरेक्शन में जाओगे तो आप फिर से वहीं आ जाओगे जहाँ पर कि आपने चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो गोल है, ठीक है, बिल्कुल एकदम गोल है। ही न्यू दैट द अर्थ इज़ लाइक अ ग्लोब इट इज़ स्फेरिकल, हम लोगों ने ये समझ लिया कि अर्थ जो है वो ग्लोब की तरह की से है बिल्कुल स्फेरिकल शेप में। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट लाइक दैट ऑफ अ परफेक्ट सर्कल इट इज़ रेदर लाइक द शेप ऑफ एन ऑरेंज, यानी हमारा जो अर्थ है हम बार बार बात कर रहे हैं कि स्फेरिकल शेप में है तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट अगर इसका हम गोल बनाएं तो एकदम गोल नहीं है, कॉइन की तरह या फिर
बिल्कुल ये सर्कल एकदम परफेक्ट नहीं है, ये जो है बिल्कुल एक हमको ऑरेंज के शेप में दिखती है। आप ऑरेंज कभी आप नोटिस कीजिए, उसको की होंगे आप लोग, कि जो ऑरेंज है वो एक ऊपर साइड से दोनों तरफ से वो थोड़ा सा दबा हुआ, ठीक है, दबा हुआ दिखाई देता है। तो उसी तरीके से हमारा ऑरेंज शेप में हमारा अर्थ भी है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट टू पॉइंट्स विच आर बल्ड इन साइड, दीज पॉइंट्स आर पोल्स ऑफ द अर्थ। अब देखो ये जो जो फ्लैटेड जो एरिया है, जो पॉइंट है, वो जो है कि जहाँ से कि हमारा वो जो ये जो पोल्स हैं दोनों हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं, वही जो जहाँ से ये कि पॉइंट दर्शाता है हमारा पोल्स को, उसी को हम पोल्स बोलते हैं। वी आर लिविंग इन शेप एज, दिस एज हैज़ लेफ्ट नो डाउट अबाउट द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। हम लोग जो है अब देखो, पहले के समय में हमको ऐसा सब कुछ पता नहीं पता था, ठीक है, लेकिन आज के समय में हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता हैं। हमको ये भी पता है कि हमारा जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल शेप में है। अब हम इन सारी चीज़ों को जान गए हैं। मैनहट्टन सेवरल स्पेस क्राफ्ट एंड सेटेलाइट इन टू द स्पेस, ठीक है, स्पेस में जो है कि हम लोगों ने, यानी कि अंतरिक्ष में हम जो मनुष्य ने बहुत सारे जो है कि स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं और सैटेलाइट भेजे, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना करके भेजे हुए हैं, जिससे कि हम उन चीज़ों के बारे में जान सकें। जैसे कि अर्थ के बारे में जानने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजी हैं। दिस स्पेस क्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स हैव गॉन राउंड द अर्थ एंड सेंड बैक इट्स फोटोग्राफ्स। अब ये जो स्पेस क्राफ्ट मैन के द्वारा बना करके, हम लोगों के द्वारा बना करके भेजे गए हैं उस अंतरिक्ष में वहाँ पर, तो वो स्पेस से हमको बहुत सारी अर्थ की फोटोग्राफ्स उन लोगों ने भेजी, ठीक है, वहाँ से भेजी। उन सेटेलाइट्स के द्वारा हमें पता चलता है कि अर्थ जो है वो कैसा एक्चुअली में दिखता है। दीज फोटोग्राफ्स क्लियरली शो दैट द अर्थ इज स्फेरिकल नॉट फ्लैट। और ये जो फोटोग्राफ्स ये एकदम क्लियर करते हैं कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है, ना कि फ्लैट। फोटोग्राफ ऑफ अर्थ वॉज टेकन इन जुलाई 1969 बाय द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स हु लैंडेड ऑन द मून। और सबसे पहला जो फोटोग्राफ अर्थ का खींच करके भेजा गया था वो थे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स। तो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिन्होंने 1969 में पहली बार मून पर वो लैंड किए थे और वहीं से उन्होंने वहाँ की फ़ोटो भेजी थी, ठीक है। अब देखते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।